हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ। हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम पढ़ेंगे एक्सेल की नई फॉर्मूला लेट फॉर्मूला के बारे में। या लेट फॉर्मूला, LET, लेट, और इसका क्या यूज है और कंपेयरिंग क्या है, सब कुछ हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, हम विदाउट लेट अगर हम कोई फॉर्मूला, मान लीजिए यहाँ पे मुझे एक इंसेंटिव देना है कि इस स्लैब के अकॉर्डिंग इंसेंटिव देना है, तो हम सिंपल सा यहाँ इफ का फॉर्मूला लगाते हैं कि इफ अगर ए ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 40, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे देखिए यहाँ हमारा 500। फिर वापस इफ लगाया, वापस हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर दिया लेस देन इक्वल टू 80, तो यहाँ पे 1000। फिर यहाँ पे इफ किया, इसको सेलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू 100, तो 1500, अदरवाइज 5000। तो यहाँ पे हमें कई बार रेफरेंस को लेना पड़ा, ए टू ए टू ए टू, और सेलेक्ट करना पड़ा। ए तो चलिए आपके जस्ट बगल में है इसलिए भी है, लेकिन मान लीजिए कि दूसरे फाइल से, दूसरे सीट से एक लंबी चौड़ी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, तो हर बार उस लोकेशन को आपको सेलेक्ट करना होगा। लेट क्या करता है, जैसे VBA प्रोग्रामिंग में हम लोग वेरिएबल्स इस्तेमाल कर लेते हैं कि सपोज डी एज ए स्ट्रिंग, डी एज ए स्ट्रिंग कर दिया, और जहां जहां मुझे स्ट्रिंग की जरूरत पड़ी हम डी पे उसका यूज कर लेते हैं। सेम थिंग यहाँ लेट फॉर्मूला करता है। हमें यहाँ क्या करना है, लेट फॉर्मूला लगाना है, और लेट फॉर्मूला, लेट फॉर्मूले में सबसे पहले देना है नेम, आपका नेम क्या है। तो हमने बोला कि नेम हमारा ए है, और हमने वैल्यू सेलेक्ट कर लिया कि ए टू की जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू कहलाएगी। और उसके बाद अब हम इफ फॉर्मूला देते हैं और सिंपल लिखेंगे कि ए इज लेस देन इक्वल टू 40, तो 500। फिर वापस हम इफ का फॉर्मूला लगाएं, बोले कि ए इज लेस देन इक्वल टू 80, तो 1000। देखिए कितना स्मूथली हम कर रहे हैं, अब हमें यहाँ पे कुछ और करने की जरूरत नहीं हो रही है। ए इज लेस देन इक्वल टू 100, तो 1500, अदरवाइज 5000। अब मेरा एक कैलकुलेशन पूरा हो गया, हमने यहां इफ को पूरा कर दिया। अब आपको दूसरा नेम और दूसरी कैलकुलेशन करनी है, तीसरा नेम, तीसरी कैलकुलेशन करनी है, तो भी आप कर सकते हैं। बस यहां पे हम एंटर प्रेस कर देते हैं, एंटर प्रेस करते ही आपके सामने रिजल्ट आ गया। तो लेट फॉर्मूला इसी चीज के लिए यूज की जाती है। इफ आपको फाइनल, आपको लॉजिकल फॉर्मूला की कैटेगरी में लेट फॉर्मूला देखने को मिलता है। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। आप इसी तरह से और भी फॉर्मूलेज और कंप्लीट एक्सेल फॉर्मूलेज उसकी अपडेट्स हमेशा चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पे बने रहें। चैनल पे जाइए, IPT इंडिया सर्च कीजिए, 5736 वीडियो अभी तक अपलोड कर दी गई है, और वीडियो की साइज ऐसा नहीं कि 2-3 मिनट की वीडियो की साइज, आप देखेंगे मोर देन 20 मिनट्स एक टॉपिक पे कंप्लीट पढ़ाया गया है, जिसमें एक्सेल, VBA, एक्सेस, SQL, पैथन, गूगल सीट, पावर BI, टैबलू जैसे टॉपिक की वीडियोस डेली बेसिस पे अपडेट होती है वर्किंग प्रोफेशनल्स एग्जाम्पल के साथ। तो आप IPT इंडिया को सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते पूरी सीक्वेंस, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको अपडेट्स मिलेंगे ना कि सीक्वेंसली वीडियोज मिलेंगे, तो सीक्वेंसली वीडियोज आपको चाहिए तो आप जो है मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, XLMIS ट्रेनिंग। XLMIS ट्रेनिंग में मेरे पास बहुत सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे, आप उन कोर्सेज को यहाँ पे ले सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में है, और मेरे साथ में जब कोर्सेज लेते हैं तो आपको मेरा टेलीफोनिक सपोर्ट भी मिलता है। आप हमारे साथ ऑनलाइन लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरी वेबसाइट IPTIndia.com पे जाएं और वहां से आप मेरी वीडियो कोर्स जो कि सिस्टम पे चलेगी या ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो क्लास का फॉर्म भर के आप मेरे साथ डेमो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं।
तो कोई भी दिक्कत होती है स्क्रीन पे मेरा नंबर है, फटाफट कॉल कीजिए और मुझसे बात कीजिए, और ऐप का लिंक, वेबसाइट का लिंक मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, ले लीजिए। थैंक यू।